देखिए जब भी ईद है, ईद से करीब 10-5 दिन पहले हम सब हमारे घर जाते थे कटनी में, पूरी फैमिलीज, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके बच्चे एंड हम टोटल कजिन्स 10 है। तो हम ऐसा क्या करते थे ईद के दिन पे, जब सब सबके पेरेंट्स जाते थे, मेरे पापा, बड़े पापा, सारे लोग नमाज पढ़ने जाते थे, नमाज पढ़ के जैसे ही घर आते थे हम सारे बच्चे हाइट वाइज ऐसा लाइन में लगते थे, और ईदी 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 ऐसे एक एक पापा के पीछे उनके सबके सब लाइन लग गए, हाँ सब पैसे लेते हुए जा रहे हैं, सबको ईदी मिल रही है, फिर दूसरे बड़े पापा के पीछे लग गए, फिर बड़ी मम्मी, दादी, सबका ऐसे होता था। एंड वो इतना मजा आता था, एंड देन स्पेशली उसके बाद ज्यादा मजा आता था हमें ईदी मिल गई। अभी कुछ लोग ईदी में कपड़े भी देते हैं, कभी पैसे मिल जाते हैं, तो हमको जो पैसे मिलते थे हम उसमें से सब 10-10 रुपए निकालते थे, ऐसे पूरा कॉन्ट्री करते थे, एंड फिर हम एक पिकनिक पे जाते थे। एक गार्डन था वहां पे, पार्क था एक्चुअली, जो बंद रहता था यूजुअली, तो पीछे की दीवार टूट गई थी उसकी, तोड़ दी थी लोगों ने, तो हम उसी से कूद के जाते थे वहां पे और अपना सारा शॉपिंग करके आते थे, ना कोल्ड ड्रिंक, मैगी, ये सब, और वहां पे जाके हम खाते That's so lovely यार. अब आप लोग करते हो, do you manage to meet those cousins? नो एक्चुअली अभी क्योंकि सब बड़े हो गए हैं, सबके जॉब्स हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको टाइम नहीं मिल पाता है उतना कि अभी हम लोग वापस से वो सारी चीजें करें जब हम बचपन में करते थे, क्योंकि तब हम वेले थे, हमारे पास कोई काम नहीं था। अभी मैं भी जैसे शूट कर रही हूँ एंड बाकी लोग भी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, तो लास्ट आपको आपके पापा ने ईडी क्या दी थी? मेरे पापा ने लास्ट